तो दोस्तों देखो यार, कितना भी मॉडर्न जमाना क्यों ना हो जाए, अभी भी लोगों की यही मानसिकता है कि यार हमें ईवी नहीं लेना चाहिए, ईवी सक्सेस नहीं है, साल दो साल चलेगी इसके बाद ये भाई डब्बा हो जाएगी, इसको लेने का कोई मतलब ही नहीं बनता, कोई सेंस ही नहीं बनता। तो इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ 5 पॉइंट क्लियर करने वाला हूँ, वो भी आपके जो डाउट्स रहेगा, कॉन्सेप्ट रहेगा ना ईवी वर्सेस पेट्रोल का, क्रिस्टल क्लियर हो जाने वाला है कि आपको ईवी लेना चाहिए, पेट्रोल लेना चाहिए और ईवी क्यों नहीं लेना चाहिए। तो अगर मैं पॉइंट नंबर 1 की बात करूं तो सबसे पहले तो इसमें आपको लिमिटेशन एक जो है वो है रेंज, इस पर आपको एक लिमिटेड रेंज मिलती है। कितना भी अभी कितनी भी नई नई ईवी आ रही हैं, जितनी भी चाहे IQ हो, बजाज चेतक हो, सिंपल वन हो, मोस्टली जितनी भी हम, मैं ऐसी बात नहीं करूंगा बहुत सी ईवी हैं जिसमें बहुत ज़्यादा रेंज है, बट जो नॉर्मल रेंज की स्कूटी है हमारी उस पे आपको लगभग 100 से 120, 110 इतना आपको रेंज मिलता है। ईवी गाड़ी आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेगी, आपको ईवी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। अब जैसे कि मान लो आपकी गाड़ी में बचा है सिर्फ 20%, तो यार फिर हमें 20% के हिसाब से घूमना है, ज़्यादा नहीं घूमना है, क्योंकि फिर अगर गाड़ी की बैटरी उतर गई तो फिर धक्का मारना पड़ेगा। वहीं पेट्रोल में क्या होता है, वो आपके अकॉर्डिंग चलती है। यार आपने सुना होगा टंकी हिला के देखे, अरे यार इतने में तो हम चांद को छू के आ जाएंगे, तो वो सीन आपको इलेक्ट्रिक में देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे थोड़ी सी आपको रेंज लिमिटेड रहेगी, तो पर डे अगर आपकी रनिंग कुछ ज़्यादा हो जाती है, फील्ड वर्क है, तो वहाँ आपको ईवी नहीं सूटेबल नहीं कर पाएगी। आपको ईवी कॉलेज, स्कूल, ऑफिस, लोकल अगर आप दिन भर में अगर 70-80-100 किलोमीटर चलते हैं तो ईवी बेस्ट है, बट वन टाइम 100 किलोमीटर जाना, 100 किलोमीटर आना, उसके लिए तो मैं आपको ईवी सजेस्ट नहीं करूंगा। अब यहाँ पर चार्जिंग में आपको इतना ज्यादा टाइम लगता है, कितना भी फास्ट चार्जर क्यों ना हो जाए और कंपनी कितना भी क्लेम ना करे, मैं आपको सीधी शॉर्ट बता रहा हूँ, मिनिमम 4 घंटे आपको एक चाहिए एक 0 से 100 होते तक ईवी को। तो यहाँ पर आपको अगर जैसा पेट्रोल में होता है कि यार अपन ने पेट्रोल डाला, कितना टाइम लगेगा, 5 मिनट लगना है, पेट्रोल पंप गए, ढक्कन खोले, डिक्की खोली अपनी, पेट्रोल डाले 100 का 200 का और चले। लेकिन वहाँ पर ये सीन नहीं है, इलेक्ट्रिक पे आप दिन भर अगर घूमेंगे तो भी रात को आपको 4 घंटे चार्ज करना पड़ेगा, या कहीं आप गए हैं और वहाँ पर आपकी गाड़ी का चार्ज खत्म हो गया तो फिर आप समझ लो कि भाई आपके कई घंटे होने हैं बर्बाद। तो ये इसके लिए ईवी नहीं है। हाँ ये है कि आपको स्कूल कॉलेज जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, 100 चार्ज है, दिन भर घूमे, वापस ला के घर में खड़े कर दिए, आप घूमने के शौक से ईवी नहीं ले सकते दोस्तों। जैसा कि हमारे मोटो व्लॉगर्स होते हैं या फिर आपको टूर करने का शौक है ना, तो नॉर्मल पेट्रोल गाड़ी में जैसा सीन होता है वैसा सीन आपको ईवी में देखने को नहीं मिलेगा। तो इस बेस पे आप ईवी कंसीडर में नहीं करूंगा आपको। और चार्जिंग से रिलेटेड ही एक पॉइंट आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि इसको चार्ज करने के लिए चार्जिंग केबल लगती है, चार्जर लगता है ना। अब मान लो कि आपका घर 4th फ्लोर में है और गाड़ी पार्क होती है नीचे, तो फिर आपका यहाँ पे जुगाड़ करना पड़ेगा कि यार मैं गाड़ी चार्ज करूंगा कैसे, है ना। और पेट्रोल में क्या रहता है, कहीं भी खड़े करो, खत्म भी हो जाता है पेट्रोल रास्ते में, अगर पेट्रोल खत्म हो जाता है किसी दोस्त को फोन लगा दिए कि 40 रुपये का पेट्रोल ले आया, पेट्रोल डाले चले, बट ये सीन यहाँ नहीं है। अगर रास्ते पे ये बंद हो गई तो भैया फिर धक्के मार के घर लाना पड़ेगा। ये पॉइंट है, जेन्युइन पॉइंट है, मैंने भी खरीदी है तो ही मैं आपको सच्चाई बताऊंगा। जिसके पास ईवी नहीं है उसे ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है, मुझसे ज्ञान लीजिए। इसके बाद अगर हम प्राइस सेगमेंट की बात करें दोस्तों, तो कितनी भी गवर्नमेंट सब्सिडी क्यों ना हो, अभी की डेट पे ईवी का प्राइस आपको, अगर एक अच्छी ईवी लेना चाहते हो आप, चाहे IQ लीजिए, ओला लीजिए, चेतक लीजिए, लगभग ये आपको 1.5 लाख रुपए की पड़ेंगी, है ना। और वहीं पे पेट्रोल गाड़ी आप एक्टिवा जुपिटर ले, आप देखेंगे 1 लाख रुपए में वो सारी आपको पेट्रोल गाड़ी मिल जाएगी। मतलब आपको 50,000 ऊपर से इसमें खर्च करना पड़ेगा तब जाके आप ईवी ले सकते हैं, एक अच्छी ईवी। वैसे तो 80-90 हज़ार की भी आती है, बट उनको मैं कंसीडर करना ही नहीं चाहूंगा, वो ईवी लेने से अच्छा तो आप भाई अपनी TVS XL में घूम ले। तो जो अच्छी कंपनी की जो ईवीज है उसमें आपको लगभग 1.5 लाख रुपए डालना पड़ेगा। तो प्राइस सेगमेंट में भी लेके यहाँ पर ये आपको इशू देखने को मिलेगा, बाकी चलने में सब वैसे ही फील आने वाला है, कोई इशू नहीं है। तो ये रहे पॉइंट्स। और पांचवा पॉइंट जो है चार्जिंग स्टेशन, अभी इंडिया इतना डेवलप नहीं हुआ है कि आपको चार्जिंग स्टेशन मिले जहाँ पे फास्ट चार्जर आधे घंटे में 15-20 मिनट में आपकी गाड़ी चार्ज हो जाए। जैसे हमारे पेट्रोल पंप है, जगह जगह पर पेट्रोल पंप है, वैसे जगह जगह पर अभी चार्जिंग स्टेशन नहीं है। पेट्रोल गाड़ी में क्या है, हमें पता चल रहा है कि हमारी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, अपन ने गूगल मैप देखा कि हाँ पता है कि भाई 15 किलोमीटर के बाद पेट्रोल पंप। जो 5 पॉइंट रहे वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बिहाफ पे आप सोच सकते हैं कि आपको ईवी क्यों नहीं लेना चाहिए। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको ईवी क्यों लेना चाहिए और अगर ईवी लेना है तो हम कैसे ईवी लेंगे। तो देखो ईवी लेने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपका एक ये बजट मंथली जो आपकी पॉकेट से जो पैसे जाते हैं पेट्रोल पे वो वेस्ट नहीं होंगे, क्योंकि एक ईवी को 0 से 100% चार्ज होने में कम से कम जो खपत लगती है इलेक्ट्रॉनिक लाइट की वो लगती है 3 से 4 यूनिट। और अगर हम यूनिट की बात करें तो भाई 5 रुपये मोस्टली इंडिया की हाईएस्ट सिटियों में भी जो यूनिट है वो 5 रुपये पर यूनिट है, अपने यहाँ तो भाई 3 ही है, है ना। तो हम 5 भी मान के चलें कि आप हो सकता है पुणे से हो, बॉम्बे से हो, है ना, दिल्ली से हो, तो अगर आपका 5 यूनिट
तो अगर आपका 5 रुपये पर यूनिट के हिसाब से अगर पर डे आपका 3 यूनिट से 4 यूनिट भी लगता है इसको चार्ज होने में, तो कितना हुआ 15 से 20 रुपये। 15 से 20 रुपये में 100% चार्ज हो जाएगी और चलेगी कितनी 100 किलोमीटर, मतलब 100 किलोमीटर आप कितने में चल रहे हैं सिर्फ 15 से 20 रुपए पे। और वहीं अगर हम पेट्रोल की बात करें तो 100 प्लस तो वो आपको पेट्रोल मिलेगा और उस पर आपका एवरेज कितना होगा 50-55, ठीक है। तो आप वहाँ पे 100 रुपए में 55 किलोमीटर चल रहे हैं और यहाँ 15 से 20 रुपए में 100 किलोमीटर चल रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि कॉस्ट पर किलोमीटर ईवी में बहुत कम है, तो ये आपका भाई जो मंथली बजट जो है वो अच्छा खासा आपको देखने को मिलेगा। सेकेंड हम इसकी बात करेंगे वो है सर्विसिंग कॉस्ट। तो ईवी से रिलेटेड आपको कोई सर्विसिंग कराने की ज़रूरत नहीं रहती, नॉर्मल चेक होता है, बट पेट्रोल गाड़ी में आपको हर 2-3 महीने में 4 महीने में आपको सर्विसिंग करवाना पड़ेगा, ऑयल डलवाना पड़ेगा, ये ख़राब हो गया वो ख़राब हो गया, ऐसा कुछ इसमें देखने को नहीं मिलेगा। तो फाइनली अब आपको क्या करना चाहिए, तो भाई सिंपल सी बात है, अगर आप ईवी लेना चाहते हैं दोस्तों, तो अगर आपके पास पहली गाड़ी पेट्रोल है और दूसरी गाड़ी आपको लेना है तो आप ईवी लीजिए, या फिर अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे को फर्स्ट ही आपको आपके पास गाड़ी नहीं है और आपको पहली गाड़ी लेना है तो भाई ईवी मत लो, अभी थोड़ा आपको रुकना पड़ेगा। आप देखो कि भाई डीलरशिप आपके शहर में आ गई है या नहीं आई है, या आपको बाहर से ट्रांसपोर्ट करवा के आप गाड़ी ले रहे हैं, तो भाई थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। आप थोड़ा कुछ दिन रुकिए, चार्जिंग स्टेशन खोल जाने दीजिए, अपने नज़दीकी डीलरशिप में आ जाने दीजिए, तब आप ईवी लीजिए और कोशिश करिए कि आपकी पहली गाड़ी पेट्रोल हो, सेकेंड गाड़ी आप ईवी पे जाएं। और इसके अलावा ईवी में आप थोड़ा सा बजट डाल के एक अच्छी गाड़ी लीजिए जिसमें रेंज अच्छी मिले आपको, ठीक है, थोड़ी सी बिल्ड क्वालिटी अच्छी हो, बिल्कुल आप 70-80 हज़ार वाली ईवी के चक्कर में ना रहें। मैं वीडियो में बस इतना ही, ऐसी बहुत शानदार एक मस्त सा टॉपिक लेके बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी, तो अब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड राइड सेफ।